देखो टाइप ऑन पार्टफुल का मतलब होता है किसी पार्ट के ऊपर टाइप करना, है ना। अब जैसे अभी हम नॉर्मल टाइप करते हैं टेक्स्ट टूल, ये आ गया देखो, ठीक है टाइप ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, सिंटेक्स वर्ड आ गया। अब ये ना नॉर्मल लिखा है, अगर सपोज कर मुझे किसी पाथ के ऊपर टाइप करना है, इसके ऊपर पाथ के ऊपर, तो मैंने लाइक एक पाथ ले लिया 2 पॉइंट लाइन, और पाथ को मैंने लाइक कर्म में कर दिया। ठीक है, अब क्या लिया, टेक्स्ट बुक लिया और कोई भी कंटेंट डाल दिया, टेक्स्ट वर्ड डाल दिया। ठीक है, कॉपी ले ली कंट्रोल सी से, कॉपी पेस्ट इस तरीके से कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट किस पर आ जाए, पाथ पर आ जाए। तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट के अंदर जाना है और फिट टू टेक्स्ट पाथ का ऑप्शन आएगा, जाएगा फिट टू टेक्स्ट पाथ, पता नहीं देखो इस पाथ को पहले हो तो अपना आप आ जाएगा। देखो इसका हुआ आ गया, अभी भी आया था कि दिखाई दे रहा है, कुछ पाथ बड़ा है, कंटेंट हमारा छोटा पड़ गया, तो इसको कर देंगे चेंज। तो बढ़ा दे थोड़ा सा, 20 कर दे, तो क्या हुआ हमारा पाथ उसी अकॉर्डिंग आ गया। अब इससे क्या हुआ, देखो आप इसको अप एंड डाउन लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। देखो क्या करोगे, सेलेक्ट करो इसको लेफ्ट राइट इस तरीके, देखो आगे इस तरीके से देखो, और अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। तो ये आ गया मेरे पास। अब इसके बाद आता है हमारे पास लेके, आपको आउटलाइन हटानी हो जाए तो इसका स्ट्रोक बंद कर दो। पर एरिया तो फिर भी कवर कर रहा होगा मैं इतना पार्ट, या फिर क्या करूँ, अगर मान लो देखो अगर आपको स्ट्रोक फिर से लाना हो आएगा तो सिर्फ दोनों ऑब्जेक्ट पर आएगा, और आपको इससे हटाना हो तो फिर क्या करेंगे, नहीं टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको और फिर स्टॉप पर डालना पड़ेगा। अगर ब्रेक कर दोगे तो फिर पाथ ही हट जाएगा, कंट्रोल कैसे क्या हो जाएगा, ब्रेक फिर पाथ ही रिमूव हो, पाथ क्या अपनी पता है, टाइप ऑन पार्ट टू नहीं रहा। अगर मैं आप लिखूंगा आगे तो सीधा जाएगा, तो पाथ तो उसको मिलेगा नहीं ना आगे चल के, इसलिए आप टाइप ऑन पार्ट टू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसको मैं क्या कर दूँ, ब्रेक कर दूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने सपोज करो एक सर्कल ले लिया, आप इसके ऊपर कोई पार्ट डालना होगा, टेक्स्ट फिट टू टेक्स्ट पार्ट, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगो भी होते हैं ना, जैसे बेकरी लोगो, जिम लोगो, इनको बनाने किसका यूज किया जाता है, बेकरी लोगो मन चूज किया जाता है। देखो ये होगा, देखो
वेस्ट एंड क्वालिटी, इसको भी ऐसा कर सकते हैं, और कट भी करेंगे हम कंट्रोल भी से पेस्ट। एक रेक्टेंगल ले लो, अच्छा तो कोई प्रॉपर ब्लैक नहीं आ रहा, अगर आपको कलर यहाँ पे ब्लैक करना तो कैसे करेंगे फिर? अरे मान लो अगर ये नहीं होता तब भी ब्लैक करना होता, तो या कोई और कलर चेंज करना होता, शेड्स में कर लाना होता तो लेंगे। अरे इसके कलर प्रॉपर्टी निकालनी, कैसे निकालेंगे हम इसकी कलर प्रॉपर्टी? मतलब ये तो ब्लू है, ब्लू में भी तो शेड होती है, वो कहाँ से आ जाएंगे? हाँ ये है ना डबल क्लिक करने का ऑप्शन, कलर व्यूअर, ब्लैक कलर कर दे, ठीक है लॉक करना, राइट क्लिक करके तो ऑन को बंद कर लिया कर। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे, एक सर्कल ले लिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ बना दिए क्या सर्कल, इसको लाइक मैंने ये कलर हो गया कलर, आउटलाइन बढ़ानी है आपको। ठीक है एक और लाइन चाहिए ना आपको, दो चाहिए ना, एक इसके ऊपर कंट्रोल सी कंट्रोल वी पेज, जस्ट इसको ऊपर कर दे, ये लाइन चाहिए मैं, डैश डॉटेड नाम मिल जाएंगे आपको, देखो ऑप्शन दे, साइज कम भी कर सकते हैं देखो। ठीक है आ गया, अब लाइक ये आपको फ्रेश एंड बेस्ट क्वालिटी, तो क्या किया इसी को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से क्या किया कॉपी पेस्ट, उसको छोटा करो, ठीक है आप क्या करना, टेक्स्ट टूल लिया, फ्रेश एंड बेस्ट क्वालिटी रख दिया मैंने, आ गया। अब क्या करना है आपको, अब व्हाइट कलर टैग फिट टू टेक्स्ट पाथ, ठीक आ गया देखो, अब आपको नीचे भी चाहिए, तो मैं एक ये भी ले लेता हूँ, टेक्स्ट फिट टू टेक्स्ट पाथ, ठीक रिफ्लेक्ट करना उल्टा आ रहा है देखो, ये यहां से रिफ्लेक्ट कर देंगे, अब तो क्या हुआ इसके बीच की स्पेसिंग नहीं आ रही देखो, और मुझे इसकी क्या बनानी है, स्पेसिंग बढ़ानी है अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या किया टेक्स्ट टूल लिया उस पर क्लिक किया और कंट्रोल ए से क्या किया मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया, अब आपको कहना है ना टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट पर क्लिक करना, किस पे जाना है, टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो ये इसकी क्या आ गई प्रॉपर्टी आ गई, इसको ओपन करना ये होगा देखो, दो टेक्स्टों के बीच की लक्ष्मण ने कर दिया कितना 50, क्यों हो गया बढ़ गया गैप, निर्माण कर दिया कितना 100, ठीक है अब लाइक आपको लिखना है बेकरी, टेक्स्ट टू ठीक
है। व्हाइट कलर, फिर जोड़ ठीक है। अब इतना पार्ट क्या करना है इसमें से कट कर ला, ठीक है। और एक काम करते हैं, हम आउटलाइन बना लेते हैं कैसा। तो कल देखो इस आउटलाइन को बनाना पड़ेगा तुम्हें ऑब्जेक्ट, तभी काट पाओगे इसको। कटेगी नहीं, आउटलाइन को ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? कंट्रोल शिफ्ट क्यू क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करने से क्या होता है, आउटलाइन ऑब्जेक्ट में अब देखो फिल हो गया, देखो लेफ्ट क्लिक से कलर हो जाएगा। तो क्या हो गया, फिल हो गया, आउटलाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। देखो अब क्या करना, इतना एरिया मुझे कट करना है यहाँ से, जितना आपको चाहिए, ठीक है। जितना एरिया चाहिए आपको यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कर लो, ठीक तो सेलेक्ट वो इस लाइन को सेलेक्ट। ऑब्जेक्ट को कट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कट ट्रिम का, पहला पार्ट दूसरे पार्ट से क्या कर देगा, वो कट कर देगा। इतना पार्ट क्या करते हैं, हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये वाला भी पार्ट कट करना है, इस पे पेन टूल लिया, दोनों को सेलेक्ट और क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। नहीं हुआ क्या, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, तो कोई लाइन जुड़ ही नहीं पाई। क्या करो, सेफ टूल लो, इन लाइनों को जोड़ दो इस तरीके से, देख देखता हूँ। अब हो तो सेलेक्ट, ये हो गया सेलेक्ट, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा। ए ऊपर सेलेक्ट सर आपने उसको सर नई ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं किया, इसी वजह से सर डॉटेड वाले। डॉटेड वाला थोड़ी ना काट रहे, मतलब ये वाला पार्ट कट रहा है। अच्छा डॉटेड वाला भी काटना था क्या, मैं ध्यान नहीं हाँ दिया डॉटेड वाला, नहीं ध्यान दिया। तो डॉटेड वाला भी काटना तो उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और ट्रिम मार देंगे उसको, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको काट दिया। अब ऐसा बेकरी के आइकन चाहिए तो यहाँ से ले लेना, सर ऐसे नहीं हो सकता है कि सर बेकरी को सर स्ट्रॉक बना देंगे इसका, और हाँ फिर तब, हाँ तब जो भी हो जाएगा, स्टॉक है तब बेकरी का तब भी वैसे हो जाएगा, स्टॉक, तब और भी हो फिर उसको जाएगा। काट कट कर देंगे। हाँ वो भी एक तरीका है, उससे भी कर सकता है, स्टॉक बढ़ा देगा ना, वो भी हो जाएगा। ठीक है, कोई बिजनेस तरीके ले लिए। मेट्रिक्स फ्लिप आर्ट कर देना,
ओके तो कर दिया क्या? डिलीट, राइट क्लिक और अनग्रुप। कंट्रोल जी से ग्रुप। कंट्रोल जी से ग्रुप। लग है क्या व्हाइट कलर है? हाँ अरे इसमें मेशो टूल है क्या? है। मैशो नहीं होता, मैश टूल होता है वो। एमजॉन फ्लिपकार्ट वाला मैशो हो रहा है क्या वो? ठीक है, इसको कर दो इसके बैक में कंट्रोल पेज डाउन। ठीक आ रहा था वो। बाई चांस तूने कहीं एक कोई ऑब्जेक्ट छोड़ रखा हो यहाँ पर, ये भी हो। ठीक है तो पता नहीं, ये मान लो इसका आउटलाइन बंद है। अब तू निकाल इसको, फाइल एक्सपोर्ट जेपीजी। ये आ गया ना क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे तेरा ऑब्जेक्ट होगा, या फिर एक काम तरीका एक और है, भले ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इतने ही एक बार सेलेक्ट कर लिया कर, ऐसे क्लिक किया ये सेलेक्ट होगा, तो लॉक कर रखा है, अनलॉक कर दे। जो अब ऑब्जेक्ट फाइल में जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिया, डेस्कटॉप है, सिलेक्टेड ओनली कर दिया, सिलेक्टेड ओनली। पूरन में यही तो फायदा, अगर तू क्या करे इतने पार्ट एक्सपोर्ट करेगा ना इतना, ये वाला यही एक्सपोर्ट हो जाएगा अगर सिलेक्टेड ओनली कर देंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सर लोगो क्रिएट कर सकते हैं, टाइप ऑन पार्ट वो काफी सारी चीजों के लिए यूज किया था। ये हो गया, या जिम लोगो हो गए, देखो तो जिम लोगो बनाने में भी इसका यूज कर लेते हैं, मेरा गोल्ड जिम है ना। क्या देखो यूनिवर्सिटी के लोगों, देखो ठीक अलग तो अलग यूनिवर्सिटी के लोगों भी इस तरीके से आपको क्रिएट हो जाए आईफोन में। तो इस तरीके से कर सकते हैं, जिनके लोगो यूनिवर्सिटी के लोगो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं, बना लोगे आप तो जब उसमें बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टाइप वन पार्ट टू हो जाएगा, किसी पार्ट के ऊपर टाइप, जैसे सर्टिफिकेट वगैरह में भी देखा होगा आपने,
एज सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, तो सर वो भी नेक्स्ट टूल ऐसे बता दो। है। देखा देखो पार्टिसिपेशन, बाकी डिजाइन तो बना ही लोग सर्टिफिकेट ए फोर साइज पे बनता है। चला बेस्ट पूरी बताता हूँ, ठीक है, फाइल अच्छा तो पेज भी ना, नई नई फाइल वाल वालों आप पेज भी ऐड कर सकते हो। पहला पेज कहाँ है येरा, सेकंड पेज कहाँ है, तो एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल पेज भी ऐड कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड। चलो मैथ टूल बता दें, देखो जितना अच्छा मैथ टूल ना इलस्ट्रेटर का है ना, उतना अच्छा इसका है नहीं का, काम तो करता है, जितना अच्छा मैथ टूल इलस्ट्रेटर से कर सकते हैं, अगर देखो हम वैसे भी सर्च करें ना क्या पे मैथ टूल, तो मोस्ट ऑफ तो ना इलस्ट्रेटर के आते थे वो, तो क्या कहते काफी अच्छा ना मैथ टूल इलस्ट्रेटर के अंदर चलता है। लेकिन अगर इसके अंदर करना हो तो, लेकिन मैथ टूल होता क्या है, देखो तो अभी हम ग्रेडियंट यूज कर रहे हैं, ग्रेडियंट ना क्या करता है मल्टी शेड्स कलर के लिए यूज किया जाता है, मतलब या तो ग्रेडियंट लाइन लाइन के थ्रू आएगा, या रेडियल मतलब सेंटर से आएगा, तो लाइन लाइन के थ्रू बनेगा। मैथ टूल का यूज करते हैं हम पर्टिकुलर शेड्स में कलर देने के लिए, पर्टिकुलर हम मतलब किसी भी पॉइंट पर मैथ टूल से कलर दे सकते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ दे दिया मैंने, देखो मैथ टूल के प्रेस करना है, एम एम से मैथ टूल आता है, क्या मतलब यहाँ है मैथ टूल, देखो मैथ आ गया। अब देखो कैसे मैथ टूल का यूज करना है, देखो ये आ गया, इसमें देखो इसमें भी रो एंड कॉलम का ऑप्शन होता है, और हमारे पास वैसे भी रो एंड कॉलम का, देखो मैंने क्या किया मिडिल में एक पॉइंट क्लिक कर दिया, पॉइंट कैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ना पॉइंट को ऐड करना भी जरूरी है, ऐड, तो देखो यहाँ पे मैथ टूल का एक पॉइंट आ गया, देखो इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, ये कलर आएंगे मैच टूल के, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। देखो अब ऐसा क्यों आ रहा था, पहले से मेरे पास का एक पॉइंट ऐड था, इस पॉइंट को क्या करते हैं मैंने डिलीट कर दिया था, देख इस पॉइंट पे मैंने कलर नहीं है डिलीट, यहाँ मैंने क्लिक किया एक पॉइंट ऐड कर दिया, देखो पॉइंट ऐड हो गया, कलर चेंज कर देते, ये बड़ा दिक्कत है मैं करता हूँ। चलो इस पॉइंट पर मैंने वापस सही कलर दे दिया, तो क्या हुआ देखो मेरे स्टेट में वो आ गया, देखो इस तरीके से, तो देखो पॉइंट एड ऑन कर सकते हैं, पॉइंट क्या कर सकते हैं एड ऑन माइनस कर सकते हैं, देखो सेलेक्ट किया क्लिक किया मैच टूल लिया, इस पॉइंट पर क्लिक किया देन ऐड कर दिया, देखो ऐड हो गया पॉइंट। अब देखो इन दोनों पॉइंटों को एक साथ सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, या एक और ऑप्शन होता है रेक्टेंगल की जगह ले सकते हैं थ्री एंड भी ले सकते हैं, सकते हैं थ्री एंड, मैंने क्लिक किया जिस पॉइंट सेलेक्ट करना है मैच टूल, मैंने ऐसे जैसे फ्री एंड सेलेक्ट भी कर सकते थे, अब आप इस पर अलग अलग कलर चेंज कर सकते थे। तो मैच टूल के थ्रू हम ना कहीं पॉइंट ऐड एंड माइनस कर सकते हैं, वो ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड कम कैसे कर सकते माइनस करना पॉइंट को, तो मैच टूल लो क्लिक करो ना, सब माइनस कर दो, पॉइंट बीच वाला क्या हो गया माइनस हो, ठीक है, तो ये हमारा मैच टूल है। आप देखो मैच टूल यूज भी अच्छा अच्छा किया जाता है, पर परफेक्ट कितना, जैसे मान लो मुझे एक मैंगो ही बना के देख, इलस्ट्रेटर हमारा आसानी से बन जाते हैं, पेस्ट कंट्रोल माइनस जूम आउट,
मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया, अब पेन टूल लिया, फिर हटाएंगे, ऑल्ट के साथ क्या करेंगे क्लिक, दो बार क्लिक करते हैं ऑल्ट के साथ, ठीक है। थोड़ा बेकार है पेन टूल, इसको अरे यार ठीक है, सेलेक्ट कर इसको अलग कर दो, हाइड ऑपर के साथ ये वाला करा दो, इसका स्ट्रोक मैंने क्या कर दिया, अब जो खुद से ले लो, मैं यहाँ पे मैश टूल लिया, ऐसे रो एंड कॉलम ले लीजिएगा, 3, 2, 4, 5 ही कॉलम ले, ठीक है। अब क्या करना है, मैश टूल लेना है, नीचे वाले पॉइंट को सेलेक्ट किया मैंने, आईड्रॉपर टूल ये वाला कलर, ठीक है ना, आ गया, थोड़ा ऊपर ज्यादा चाहिए था, मैश टूल लेंगे, ऊपर वाले पॉइंट को माइनस कर दिया मैंने, इस पर क्लिक करके क्या कर दिया मैंने, माइनस, तो क्या वो ऊपर की शेड नीचे वाली शेड बढ़ गई इस तरीके से, ठीक है। यहाँ रह गया, मैं स्कूल लिया और इस वाले पॉइंट को भी क्या करते हैं मैंने, ठीक है, यहाँ रह गया वो पॉइंट वाले पॉइंट को सेलेक्ट किया, ठीक है ना। अब क्या करना है, बीच में एक सेंटर में आपको कलर चाहिए यहाँ पे, मैं टूल यहाँ एक पॉइंट पर क्लिक किया, पॉइंट ऐड कर दिया, और इस वाले पॉइंट पे मैंने वापस कौन सा कलर कर दिया, ये कलर कर दिया।
आगे इस तरीके से, यहाँ सेट में कलर चाहिए, मैच टूल, चार पॉइंट सेलेक्ट कर दिए, ठीक है, बन गया इस तरीके से। देखो सेलेक्ट करो इसको, मैच कर, आप इस पॉइंट को तो मूव भी कर सकते हो इस तरीके से, अगर आपको लग रहा है ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है तो मूव भी कर सकते हो आप, कहा ज्यादा लग रहा है यहाँ पे बोली नहीं दिखाई दे रही। इस तरीके से कर, ठीक है, एक लीफ चाहिए, मैंने क्या किया एक सर्कल लिया, बनाया सर्कल, ठीक है, स्मार्ट फिल टूल, गया हाइड ऑफर टूल, ये वाला कलर सेलेक्ट करो, मैच टूल लो, तो एक और रॉ ले लो, एक और रॉ ले लो, जीत गए, ये वाला नहीं, ठीक है ना, अब क्या करो, मैच टूल, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, हाइड ऑफर टूल और ये वाला डार्क कलर, हमारे पास तरीके से आ गए, देखो ठीक लाइक कुछ तरीके से, ठीक है, मैच टूल वैसे प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर या बैकग्राउंड्स के अंदर इन चीजों के अंदर बहुत अच्छे से दिया जाता है। जाएगा तो इस तरीके से ना, देखो बेस्ट टूल से सारे प्रोडक्ट डिजाइनिंग करके देखना, जैसे बनाना हो गया, देखो ये भी बना सकते हैं कैन वगैरह, ये देखो मैच टूल ना रियल इफेक्ट दिखाने के लिए यूज किया, सर वाइन बॉटल कैसे डिजाइन होगा सर? ये वाला वाइन बॉटल, वाइन बॉटल वाइन बोतल भी हो जाता है, क्या नाम है, पर जो देख ग्लास जैसे ट्रांस, जैसे ये, पर ग्लास नहीं है ना, देख ये भी तो जो मैच टूल ग्लास यूज का हो रहा है, ट्रांसपेरेंट, हाँ, वो भी मैच टूल के थ्रू किया जाता है, जैसे ये हो गया, देख अच्छा तो मैच टूल ही आएगा, देख व्हाइट व्हाइट कलर का, जहां भी शेड्स में देखा ना मैच टूल का यूज किया गया, ये भी तो एक तरीके से मैच है, देख तो परफेक्ट, अच्छा उसके अंदर हो पाया के अंदर, इतना इतना दोस्तों होने का, सर जैसे कि मैं डिजाइन कर रहा था एक विस्की का बॉटल का, तो सर वो सर ट्रांसपेरेंट कैसे सर उसको दे पाएंगे सर? मैच टूल से ही दे सकते हैं बस, और कोई नहीं दे सकता, और प्रॉपर मैच होगा वो तो फिर क्या नाम है उसका, फोटो शूट है, जैसे मैच टूल अगर मैं अच्छा ग्लास ले, हाँ फोटोशूट, अगर मैं ग्लास लेके चलता हूँ, देख नहीं आएगा ही नहीं, ये थोड़ा बहुत इसके अंदर सर करो क्या ना, होता है, आप सर्च करो यहाँ पे कोई भी विस्की बॉटल सर्च करो, आप विस्की बॉटल डिजाइन, तो ये तो बन जाएगा, ये क्यों नहीं बनेगा, ये वाला बन जाएगा, आसान वाला तो बना ही देंगे सर, थोड़ा तो सा डिफिकल्ट वाला मैं बोल रहा था। ये तो बोतल का कांच ही है,
कांच ही है ना, मैच अच्छा थोड़े ना हाँ है, मैच तुझे हाँ कलर में हाँ दिखाई हाँ देगा, कलर जैसा। तो सर ये रियल दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा रियल दिखना भी तो चाहिए। हाँ तो देख सकता है बोतल में जब करेगा, तो मैं जैसे कैन लिया हमने अभी, तो मैच खोल लिया, जैसे कैन आ गया, हाँ देख फिर ये कैन देखो तेरे सर, भी दिख बीच में रही। जो है ग्लास वाला, हाँ तो ये भी कैन तो रेडी तो लग रही है तेरी, देख इसकी, और ये भी देख ग्लास कहाँ गया मेरा अभी, ये रहा, ये भी देख रियल लग रहा है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये बन जाएगा इस तरीके, इसका क्या, ये देख। और बहुत सारी चीजें ब्लर का भी यूज कर लिया जाता है, जैसे ये पार्ट आ गया तो इसमें ब्लर भी यूज हो सकता है।